everyone and uh, here we are once again with uh, our civics class and uh, once again we are with our chapter 1 we are here with our chapter 1 power sharing okay so uh, now proceeding towards the chapter Uh, in our last class we has uh, we have discussed already about the basic concepts of power sharing. क्यों power sharing ज़रूरी है क्या reason है ये सारी चीज़ें हमने पिछली classes में अपने discuss कर ली थी और uh, इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश की थी जो कि आपने चैप्टर में दिया हुआ है एग्ज़ाम्पल था बेल्जियम का जहाँ पर कैपिटल रीजन में जो है वहाँ पर uh, क्या करते हैं यहाँ पर जो कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है कैपिटल को छोड़कर बाकी कंट्री के अदर पार्ट्स में वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर आपको ज़्यादा लोग जो हैं वो डच स्पीकिंग में मिलेंगे ठीक है जबकि जो कैपिटल ब्रुसेल्स है वहाँ पर एटी परसेंट जो लोग हैं एटी परसेंट पॉपुलेशन की लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच है तो अब इस तरह से दो लैंग्वेज कम्युनिटीज़ मेनली बन गई हैं ठीक है और वो दो कैपिटल दो जो एक आपका लैंग्वेज बेस्ड कम्युनिटी है वो क्या है डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग ठीक है हियर इन दिस मैप आल्सो यू कैन सी इट वेरी क्लियरली ये एक मैप के थ्रू भी ये दिखाया हुआ है देखिए बेल्जियम स्टेट मतलब बेल्जियम कंट्री दी हुई है आपको और उसके साथ में रेड कलर जितना भी ये दिया, दिया हुआ है मैप में ये सारा शो करता है फ्रेंच स्पीकिंग एरिया जबकि जो येलो ईश एरिया है वो पूरा रिफ्लेक्ट करता है डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोगों को ठीक है तो इस तरह से पॉपुलेशन का आप एक जो रेशियो है वो कंपेयर कर सकते हो आप और अब यहाँ पर डिस्प्यूट क्या है डिस्प्यूट ये है कि दोनों ही कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है वही बेल्जियम की ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए ठीक है ये बेल्जियम की प्रॉब्लम है और सेम ऐसी ही प्रॉब्लम श्रीलंका में भी हुई जहाँ पर क्या है श्रीलंका में सिंहला स्पीकर सेवेंटी फ़ोर परसेंट है और तमिल स्पीकर एटीन परसेंट है यहाँ पर क्या है यहाँ पर एकदम मेजॉरिटी है और एकदम माइनॉरिटी है ठीक है तो यहाँ पर तमिल स्पीकर जो हैं यानी तमिल लैंग्वेज के स्पीकर्स और सिंहला स्पीकर्स इन दोनों लैंग्वेज के लोगों के बीच में सेम डिस्प्यूट है वो भी अपनी अपनी जो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो डिसाइड करना चाहते हैं डिक्लेयर करवाना चाहते हैं ठीक है कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज यहाँ पर आ जाइए देखिए ये दिया हुआ है कि श्रीलंका में क्या हुआ पहले उसको यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि श्रीलंका में जो ये आपके एटीन परसेंट जो तमिल लोग थे लोग थे उसमें भी फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन था डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से था जो ये एटीन परसेंट लोग थे इसमें भी थर्टीन परसेंट जो थे वो श्रीलंकन तमिल्स थे जो कि श्रीलंका के रहने वाले थे और तमिल बोलना पसंद करते थे ठीक है ये वो लोग और इसके अलावा जो पाँच परसेंट एटीन परसेंट में से थर्टीन परसेंट आपने हटा दिया तो फाइव परसेंट जो रिमेनिंग जो परसेंटेज बचा वो वो लोगों की पॉपुलेशन थी जो कि कॉलोनिज्म ब्रिटिश कॉलोनिज्म के पीरियड में प्लांटेशन में यानी जो आपके टी फार्म्स वगैरह थे उनमें काम करने के लिए आते थे और इनको वहाँ इंडियन टेमिल्स बोला जाता था ठीक है तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो तमिल लोग हैं ये चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी के जो कल्चर और हमारी कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट हैं एक हमारा कम्युनिटी का जो रेस्पेक्ट है वो श्रीलंका में बना हुआ रहे हमें भी एक सिटीज़न के तौर पर प्रॉपर रेस्पेक्ट और प्रॉपर एक कह लो डिग्निटी मेंटेन करने का मौका मिले ठीक है जबकि जब, जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिल गई जब वो फ्री हो गई ठीक है फ्रीडम मिल गई उसके बाद में वहाँ पर ये रियल स्ट्रगल शुरू हुआ अमंग जो वेरियस कम्युनिटीज़ ठीक है क्या हुआ कि वहाँ पर जो आपके सिन्हला लैंग्वेज के यानी जो नेटिव श्रीलंक थे श्रीलंका के नेटिव रहने वाले उन लोगों ने इन इंडियन टेमिल्स को सिटीजनशिप देने से मना कर दिया उन्होंने कहा कि दे शुड गो बैक टू देयर कंट्री अब जो लोग बहुत साल पहले चले आए हैं उनके बाप दादा चले आए और मतलब उनके एनसेस्टर्स से फिर अब ये अब फोर फादर्स आए और उसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन वहाँ रह रही है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतने साल बाद वापस जाए अब वो किस गांव किस जगह के रहने वाले थे वहाँ उन उनके नाम पर कुछ भी नहीं रह गया है तो अब वो कैसे जाकर उस जगह पर नई जगह जाकर रह सकते थे उनके लिए वो श्रीलंका ही उनकी नेटिव कंट्री बन गया था सो इस वो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लीव दैट कंट्री फॉर दोज़ पीपल तो इसलिए वो चाहते थे कि हमें भी वहाँ की सिटीज़नशिप मिल जाए ठीक है अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है मेजॉरिटेरिज़म ठीक है ये क्या है देखिए ये वो सिचुएशन होती है मेजॉरिटेरिज्म ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है किसी भी कंट्री की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो अपने हिसाब से कंट्री के रूल्स और रेगुलेशन डिसाइड करना शुरू कर दे ऐसे रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाना शुरू कर दे जो कि उस देश के सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी को फेवर करने वाले ही हों तो ये सिचुएशन होती है मेजॉरिटेरियनिज़्म की ठीक है जैसे कि फ़ॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूँ सिंपल लैंग्वेज में अगर इंडिया में देखो मेजॉरिटी कम्युनिटी नो डाउट हिंदू है आपकी सबसे बड़ी रिलीजन बेस्ड जो कम्युनिटी है वो हिंदू कम्युनिटी है ठीक है अब अगर कल को कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट आती है और वो ये बोलती है क्योंकि जो हमारा भारत देश है उसमें जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो हिंदू है तो ये एक हिंदू राष्ट्र होगा यहाँ पर सिर्फ इन्हीं लोगों को जॉब दिया जाएगा सिर्फ हिंदू लोग जो हैं हिंदू कम्युनिटी के लोग जो हैं वही गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं वही हायर एजुकेशन में जा सकते हैं या वही लोग फिर आगे जो है वो पॉलिटिक्स में आ सकते हैं तो जो अदर कम्युनिटीज़ इस देश में रह रहे हैं जो भी अदर कम्युनिटीज़ हैं जैसे सिख हो गए आपके बुद्धिज़्म हो गए मेरे ख़्याल से वर्ल्ड की हर एक पॉसिबल कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं उन लोगों को कितना इग्नोर्ड फील होगा ठीक है और यही सेम सिचुएशन जो है एग्जैक्टली exactly, श्रीलंका में हुई वहाँ पर जो पहली गवर्नमेंट बनी उसने नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में एक एक्ट पास किया जिसके थ्रू सिन्हला को उन्होंने वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया ठीक है और तमिल को एकदम डिसरिगार्ड कर दिया देखो ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अगर आप बात करो तो इंडिया में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है लेकिन क्या हिंदी ही सिंगल ऑफिशियल लैंग्वेज है ऐसा भी नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि हमें ये पता है कि हमारी कंट्री में बहुत डाइवर्सिटी है और हर कम्युनिटी को एज़ अ डाइवर्स फॉर्म हर कम्युनिटी को हमने रेस्पेक्ट देते हुए क्या किया है उनको कोशिश की है कि हम प्रोटेक्ट कर सकें इसलिए यहाँ पर हर स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज अलग अलग डिक्लेयर्ड है अलोंग विद डैट इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं उसमें भी सर्टेन लैंग्वेजेस हैं जिनको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है कितनी लैंग्वेजेस हैं वो आप मुझे पता करके बताइएगा ठीक है यू कैन रिप्लाई इन योर इवनिंग सेशन कितनी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी इंडिया की हैं एज़ अप्रूव्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रही हूँ ठीक है अदर देन हिंदी अब बात आ जाती है यहाँ वापस चैप्टर जा, पर आ जाते हैं टॉपिक पर 1956 में जब सिन्हला लैंग्वेज को वहाँ श्रीलंका में ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया उसके बाद में क्या हुआ कि तमिल को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया तमिल लैंग्वेज को तो इससे ये जो एटीन परसेंट पॉपुलेशन थी ये तो बिल्कुल डिसरेस्पेक्टेड काइंड ऑफ़ फील हो गई और इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं था कि लैंग्वेज को इग्नोर किया इसके अलावा वहाँ गवर्नमेंट जॉब्स या कोई भी गवर्नमेंट वर्क जो है उसमें ये जो श्रीलंकन पीपल थे ये जो सिन्हला कम्युनिटी के लोग थे इन्हीं को फेवर किया जाता था जो भी नई पॉलिसीज़ या प्लान वगैरह इम्प्लीमेंट होते थे वो भी इन्हीं को ध्यान में रखकर कर इम्प्लीमेंटेड होते थे और तमिल लोगों को वहाँ एकदम कंट्री में इग्नोर कर दिया गया था जिसकी वजह से उन लोगों को हायर एजुकेशन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिल पाते थे ठीक है गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करने के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं माने जाते थे उन लोगों को उनके फेस्टिवल उनके कल्चर को फॉलो करने की भी परमिशन एज पर द गवर्नमेंट नहीं थी तो ये सारी प्रॉब्लम वहां पर आई ठीक है अब इसके बाद में क्या होता है कि एज अ रिजल्ट द रिलेशंस यानी अब इसका नतीजा क्या हुआ इसका नतीजा ये हुआ कि आपस में दोनों जो लैंग्वेज कम्युनिटी थी सिन्हा लैंग्वेज कम्यूनिटी और तमिल कम्युनिटी ये जो है इसमें स्ट्रेस बढ़ता गया डिस्प्यूट बढ़ता गया और एक वो टाइम आया जब ये जो तमिल लैंग्वेज कम्युनिटी थे इन्होंने अपनी इसको एक स्ट्रगल बना लिया ठीक है और इसके लिए प्रॉपर एक अभियान चलाना शुरू किया अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई एंड दे डिमांडेड फॉर द प्रॉपर रिकॉग्निशन ऑफ़ तमिलियन पीपल एंड तमिल एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज कम से कम पूरे नेशन के लिए नहीं तो कम से कम एक एरिया वो मांग रहे थे कि एक छोटा सा एरिया हमको अलग दे दिया जाए जहाँ हम लोग अलग रहें तमिलियन लोग और वहाँ पर उस एरिया की हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो तमिल हो ठीक है अब ये जो डिमांड थी ये वहाँ गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं की ठीक है और ये डिमांड धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रांग होती चली गई ठीक है जैसे जैसे ये स्ट्रांग होती चली गई आगे क्या हुआ ये एक किसकी कंडीशन में आ गई सिविल वॉर की कंडीशन में आ गई अब ये सिविल वॉर क्या होती है सिविल वॉर वो सिचुएशन होती है जहाँ पर दो कम्युनिटीज के बीच में दंगा शुरू हो जाए मतलब झगड़ा शुरू हो जाए और वो झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो लोग हथियारों से एक दूसरे को हार्म करना शुरू कर दें जैसे डंडा हो गया लाठी हो गया पिस्टल्स हो गई जो भी जिसके पास भी है और इसका रीसेंट एग्ज़ाम्पल आप दिल्ली रियार्ट्स को ले सकते हो दिल्ली में जो दंगे हुए थे सी प्रोटेस्ट को लेकर जो हुआ था उसको फिर आगे कम्युनिटी बेस्ड दंगों के तौर पर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की जा रही थी तो ये जो दंगे हैं वो आपके सिविल वॉर के कंडीशन होते हैं हो सकता था ये कि अगर गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने में फेल हो जाती तो ये आगे सिविल वॉर में ट्रांसफॉर्म हो जाता ठीक है तो ऐसी ही बहुत भयंकर सिचुएशन जो है वो आपकी सिविल वॉर की सिचुएशन होती है जहाँ पर किसी भी देश के जो नागरिक हैं जो सिटीजन है वही आपस में अंदर ही अंदर लड़ना शुरू कर दें एक दूसरे को मारना शुरू कर दें दैट इज़ अ कंडीशन ऑफ सिविल वॉर ठीक है अ कंडीशन ऑफ वॉर बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड इनसाइड अ कंट्री इट इज़ कॉल्ड ए सिविल वॉर अब इसके रिजल्ट के तौर पर जब सिविल वॉर शुरू हो गई तो एज अ रिज़ल्ट थाउजेंड ऑफ़ पीपल जो भी हज़ारों लोग थे चाहे वो जो भी कम्युनिटी के थे दोनों कम्युनिटी के थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड ठीक है और बहुत सारा नुकसान हुआ श्रीलंका जो कि एक वेल well, वेल्थ well, मतलब वेल्थ और प्रॉस्पर कंट्री uh, के तौर पर माना जाता था वर्ल्ड में जहाँ पर प्रॉपर्टी और वेल्थ और एक अच्छे रिसोर्स रिच रिसोर्स के तौर पर कंट्री को माना जाता था उसकी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्या हो गई ख़त्म होती चली गई क्यों ख़त्म होती चली गई क्योंकि कंट्रीज़ में आपस में सॉरी uh, कम्युनिटीज में आपस में डिस्प्यूट था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मिलकर काम करने के बजाय वो लोग एक दूसरे की प्रॉपर्टी को ही हार्म कर रहे थे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ से होगा ठीक है तो ये हुआ आपका क्या श्रीलंका का एग्ज़ाम्पल कंप्लीट स्टोरी मैंने बताई इट एंडेड इट 2009 2009 में ये एंड हुआ अब बेल्जियम पर आ जाइए बेल्जियम में इसका जस्ट अपोजिट हुआ वहाँ पर क्या हुआ श्रीलंका में दंगे हुए श्रीलंका में रियॉर्ट्स हुए सिविल वॉर हुई जबकि इसके अगेंस्ट बेल्जियम में इसका जस्ट अपोजिट हुआ और बेल्जियम में क्या हुआ कि बेल्जियम में वहाँ पर जो एकोमोडेशन था वो फोर पार्ट्स में इसको इस इशू को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई ठीक है सॉर्ट आउट करने की कोशिश कैसे की गई पहले तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ये किया कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो भी जो मिनिस्टर्स हैं वो कम्युनिटी बेस्ड लैंग्वेज बेस्ड कम्युनिटी के हिसाब से जो भी जो चुनकर रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे वो इन लैंग्वेज बेस्ड कम्युनिटी के हिसाब से रेशियो के में आएंगे जितना पॉपुलेशन का रेशियो होगा लैंग्वेज का उस हिसाब से मिनिस्टर्स का रेशियो भी डिसाइड होगा ठीक है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें ये मिनिस्टर्स इक्वल होंगे दोनों कम्युनिटी के मिनिस्टर्स जो हैं डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स वो इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में ठीक स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ माइनॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप हर लैंग्वेज ग्रुप के के जो लोग हैं उनसे सपोर्ट मेजॉरिटी ऑफ मेम्बर्स के लिए सपोर्ट होगा तभी वो गवर्नमेंट बना सेंगे बना सकेंगे ऐसा नहीं है कि कोई एक गवर्नमेंट कम्युनिटी के लोगों ने सपोर्ट कर दिया और वही सरकार में बन गए मतलब इसका यह है कि दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं उन दोनों कम्युनिटीज़ का इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा ठीक है उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई जबकि जो नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनाई गई उनको सबॉर्डिनेट गवर्नमेंट के तौर पर रखा गया जिनको लैंग्वेज बेस पर बनाया गया था रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया और वो रीजन्स जो थे वो लैंग्वेज बेस्ड थे उसके बाद ब्रूसल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट ब्रूसल्स के पास अपनी एक अलग सरकार थी और वो सरकार जो थी उसमें दोनों कम्युनिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन होता था यानी डच स्पीकिंग लोग भी होते थे और फ्रेंच स्पीकिंग लोग भी शामिल होते थे उसमें ठीक है इसके अलावा जो लास्ट उनका अमेंडमेंट था वो ये था कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी वहाँ पर होगी थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होगी कम्युनिटी गवर्नमेंट और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट किस बेसिस पर होगी ये लैंग्वेज के बेसिस पर होगी ठीक है लैंग्वेज के बेसिस पर यानी जहाँ पर आपके डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं जिस कॉलोनी में कह लीजिए या कॉन्स्टिट्यूएंसी में कह लीजिए वहाँ पर डच स्पीकिंग लोगों की गवर्नमेंट होगी वो अपनी लैंग्वेज के लीडर्स को चुन सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को ठीक है इसके जस्ट अपोजिट आप मान लीजिए कि आपके बगल की कॉन्स्टिटुएंसी या आपके बगल की ही कॉलोनी है और उसमें फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं तो वहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की गवर्नमेंट होगी ये किस लिए बनाया गया ताकि उनका जो लैंग्वेज बेस्ड कल्चर है लैंग्वेज है इन सब को प्रोटेक्ट किया जा सके उनकी डिग्निटी को मेंटेन किया जा सके इसमें एक और प्रोविज़न था कि मान लीजिए कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मेजॉरिटी जो है वो डच स्पीकिंग लोग हैं लेकिन कुछ एक लोग वन और टू परसेंट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है तो वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग ना करके अपनी लैंग्वेज बेस्ड कॉन्स्टिटुंसी को बिलोंग करेंगे ताकि वो वहाँ की कम्युनिटी गवर्नमेंट से रिलेट करके अपनी कल्चर के अकॉर्डिंगली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करवा सकें ठीक है अब इसका रिज़ल्ट क्या हुआ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में वहाँ पर सरकारें बनी लोगों के बीच में एक अच्छा एक हारमोनाइजड एक कल्चर डेवलप हुआ जिसकी वजह से दोनों लैंग्वेज कम्युनिटीज के बीच में आपस में रेस्पेक्ट हुआ रेस्पेक्ट की फीलिंग जनरेट हुई और लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना शुरू किया आगे सीखा और जो आपस के डिस्प्यूट्स थे वो धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए अपोजिट मैनर में रिज़ल्ट क्या निकल कर आया कि वहाँ पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो बहुत अच्छे से हुआ और इसके साथ में मेनी ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ़ यूरोप केम टुगेदर जब यूरोपियन यूनियन बना यूरोप की कई कंट्रीज़ एक साथ बनी और यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ तो ब्रूसेल्स को उसका क्वार्टर चुना गया क्यों चुना गया क्योंकि वो प्रॉपर एक ऐसा शहर माना गया जहाँ पर सभी कल्चर और सभी लैंग्वेजेस को प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाती है और एक हार्मोनाइज्ड मैनर में एक पीसफुल एनवायरनमेंट वहाँ पर मिल रहा था लोगों को काम करने के लिए ठीक है तो यहाँ इन दो एग्ज़ाम्पल से हम ये ईजीली समझ सकते हैं कि अगर किसी कम्युनिटी बेस्ड डिस्प्यूट को हम सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो क्या है कि हमें उसका पीसफुल सोलूशन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ निकालना होगा ठीक है और इसके अलावा हमारा जो चैप्टर है पावर शेयरिंग वो भी हमने यहाँ पर देखा कि किसी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को पावर ना देकर हमने पावर्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया तो कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से हुआ एज़ कम्पेयर टू मेजॉरिटेरिज की सिचुएशन जो कि श्रीलंका में आई कि भाई हम मेजॉरिटी में हैं तो सारी पावर हमारे हाथ में होनी चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ दंगे हुए वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोगों की शांति पीस जो है ये सब क्या हुई पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास नाउ आई वॉन्ट टू एंड द क्लास एंड हियर आर सम क्वेश्चन गिवन and you have to write down the answer of these question as your homework okay classify the आह uh, these conflicts by their location आपके state India outside India in सब के बारे में कुछ recent जो disputes है community based वो आपको identify करने हैं उसके अलावा फाइंड आउट द कॉज ऑफ़ ईच दिस कॉन्फ्लिक्ट जो भी कॉन्फ्लिक्स को आप राइज राइज कर रहे हैं वो कॉन्फ्लिक्ट क्या रीज़न रहा है वो मेन कारण आपको लिखना होगा और इसको हाउ मेनी ऑफ दीज आर रिलेटेड टू पावर शेयरिंग डिस्प्यूट पावर शेयरिंग से रिलेटेड कितने डिस्प्यूट थे और इसके अलावा विच ऑफ़ दिस कॉन्फ्लिक्टड भी रिजोल्व बाई वर्किंग आउट पावर शेयरिंग अग्रीमेंट और ये आपका आज का होमवर्क है अलॉन्ग विद दिस यू हैव टू मेक द नोट्स ऑफ टूडेज Portion. That's all for today's class. Thank you and have a nice day.